मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम में हम सबके प्रिय नेता विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय पी प्रजापति जी, पूर्व मंत्री नरसिंहपुर के विधायक आदरणीय जालम सिंह जी, मिंग कमांडर साहब, हमारे पिपरिया के पूर्व विधायक आदरणीय हरि भैया, आदरणीय किशोर राय जी, कार्यक्रम के आयोजक अंकज भैया, मंच पर बच्चे सभी सम्मानी वरिष्ठजन, साथ में विराजमान मात्र शक्ति, वर्तमान साथियों, पत्रकार साथी है। आज यहाँ पर कजरी समाज के द्वारा निर्वाह सम्मेलन एवं समाज का कार्यक्रम रखा गया है। उपस्थित सभी जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाहर से सभी व्यक्तियों का गोटे गांव की व्यक्ति पर स्वागत है। वास्तव में कंचुरी समाज का हम इसलिए पूरे देश में आपका सम्मान होता है, मध्य प्रदेश की धरती पर भी एक अच्छी मेहनत करके आपने जो स्थान हासिल किया है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि और तरक्की समाज करे और इस प्रकार के अच्छे आयोजन समाज के प्रमुख लोगों के द्वारा कराते जाए। आज विवाह सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। पुण्य का काम है, जब मन में कोई अच्छे काम करने का विचार रहा है तो हम मान लें कि कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे साथ में है और ईश्वर की इच्छा है कि हमारे यहाँ से कोई अच्छे काम होते रहे। वो सभी समाज है जो अच्छे काम करती है, कोई तरक्की के रास्ते पर जाती है। आपने कार्यक्रम यहाँ रखा, हम लोगों को आमंत्रित किया, यहाँ पर आने का अवसर मिला, सबके दर्शन हुए, पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जय। पूरे देश से पूरे प्रदर्शन पधारे कंचुरी समाज के सभी सम्माननीय नागरिक बंधु, माता दर्मी मन पर विराजमान, अभी भी हम सबको आशीर्वाद देकर निकले केंद्रीय मंत्री सम्मानित फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे गोटेगांव विधानसभा के सम्मानित विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय एम पी प्रजापति जी, हमारे सम्मानित शांति विधायक चंदूखेड़ा से सम्मानित संजय शर्मा जी, संजय भैया, हम सबके वरिष्ठ पिपरिया के पूर्व विधायक, हम लोग विधायक नहीं थे तब से वो विधायक थे, सम्मानित हरि भैया, सम्मानित मंत्री वर्तमान विंग कमांडर साहब, सम्मानित राष्ट्रीय स्तर के सभी सम्मानित पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के सभी सम्मानित पदाधिकारी और जिले के कचुरी समाज के और हमारे श्री धाम नगर के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, जिन्होंने सफल आयोजन किया और पूरे देश को एक साथ करने का काम कचुरी समाज ने उनके दर्शन उपलब्ध कराए। ऐसे सभी सम्मानित हमारे यहाँ के बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कोई संगम बनता है तो किसी नेता कृपा से होता है। भगवान सहस्त्र बाबू के नीचे हम सब कर्तरी समाज के सभी सम्मानित बंधु जहाँ भी जाते हैं उनको उनकी आराधना करते हुए उनके सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने विचार विमर्श करते हैं। ऐसा मानता हूँ कि आज यहाँ जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन के माध्यम से जो मंथन होगा वो मंथन से कोई विशेष चीज निकलने वाली है और एक पावन कार्य के यहाँ पांच जोड़ों का विवाह भी है और इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि कोई विवाह होता है, विवाह एक यज्ञ के समान होता है, दो आत्माओं का मिलन और पूरा जब समाज उसमें जुट के और ये विवाह कार्यक्रम में सब सम्मिलित हो रहे हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ कि उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरसिंहपुर जिला श्रीधाम गोटेगांव में आज सहस्त्र बाहु कल्चुरी महासभा कला समाज का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें नरसिंहपुर जिला गाढ़ावाड़ा तेंदुगेड़ा साईखेड़ा सालीचौगा आसपास के समस्त कल्चुरी समाज के नागरिक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। वरिष्ठ पार्टियों के नेता इस कार्यक्रम में पहुँचे, अपना संदेश इस कार्यक्रम में दिया है। हम आपको बता दें, नरसिंहपुर जिला कल्चुरी समाज के अध्यक्ष श्री पंकज चौकसे के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्ण बात ये है
इस कलचुरी समाज की एक विशेषता ये है, मैंने कहा अपने भाषण में भी, ये देश भर में और रचनात्मक कार्यक्रमों में, विशेषकर चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम जिनमें इनकी भूमिका बहुत रहती है। समाज का तो करते ही है, साथ साथ अन्य समाज का भी, जो पिछड़े लोग हैं, कमजोर हैं, इस प्रकार के लोगों को मदद करना इस पूरे महासभा के लोगों का एक प्रमुख उद्देश्य है और इसी कारण से इनके कार्यक्रम हमेशा सफल होते हैं। ये मेन सर इसमें एक चीज़ होती है कि आज जो है एक वेबसाइट का लॉन्चिंग हुई, जैसे kalarsamaj.in, इस समाज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आने के लिए जो आपके द्वारा लोग जुड़ेंगे, आज चाहे आप हर क्षेत्र में डिजिटल अगर हुआ है तो मुझे लगता है एक हमारे संपर्क के लिए बहुत बड़ा माध्यम है IT, और इसलिए मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है कि सारे देश भर के समाज को जोड़ना और अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं सबकी महत्व है। और घर बैठे बहुत सारी जानकारियाँ समाज की और देश स्तर की, धंधे की, व्यापार की और पढ़ाई लिखाई की और परिचय की बहुत सारी जानकारियाँ डिजिटल माध्यम से घर बैठे पहुँचूंगी। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है,